आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। और मांझी NH 33 रोड में लॉकडाउन के चलते फंसे लोगों को खाना खिलाने के लिए कैंप लगाया गया। जय गुरुदेव महाराज के आदेश अनुसार कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन में फंसे रांची रामगढ़ के बीच के राहगीरों को भोजन पानी मुहैया कराने के लिए रांची DC के परमिशन के बाद जय गुरुदेव की टीम ने और मांझी प्रखंड के लाल बहादुर शास्त्री चौक में दाल भात रोटी व पीने का पानी का व्यवस्था किया गया। इस अवसर पर जय गुरुदेव के लोगों ने कहा कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए कार्य की शुरुआत की गई है और जब तक लॉकडाउन रहेगा राहगीरों को भोजन मुहैया कराते रहेंगे। वहीं उन्होंने लोगों से बीमारी के संक्रमण से बचने का लोगों से अपील कर रहे हैं। जो भी मुसाफिर कैंप में पहुंच रहे हैं उन्हें हाथ साबुन से धुलाने के बाद ही पैकेट में डाला खाना लोगों को दिया जा रहा है। बेबसी और 2-3 दिन से लगातार पैदल चल रहे परेशान लोग खाना पानी पीकर काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है आपका मथुरा से, हम लोग का धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से आदेश हुआ है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के उत्तराधिकारी पंकज महाराज जी के आदेशानुसार। ये आपका अभी जो कोरोना के से त्रस्त आपका पूरे देश में है उसको बीमारी परेशानी से निजात कैसे मिलेगा और कैसे भूखे प्यासे को भोजन कराया जाएगा उसी के माध्यम को लेकर के आज हम लोग और मांझी ब्लॉक चौक में यहाँ पे भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिला रहे हैं और खिला रहे हैं। क्योंकि आज को सब लोग चल रहे हैं, ना साधन मिल रहा है, ना गाड़ी मिल रहा है, ना दुकान बंद है, लोग परेशान है, भूखे प्यासे लोग तड़प रहे हैं। क्या एहतियात बरतनी चाहिए कोरोना को लेकर? कोरोना को लेकर के है कि आपस में थोड़ी सी दूरी लोग बना करके लोग दूरी से लोग रहें और दूरी से हम लोग बना करके भी लोगों को अपने कह रहे हैं कि अपने हाथ को साबुन से भी धोए और अपना थोड़ा सा जागरूक हो जाएँ और जागरूक होकर के लोग अपना संयम से रहे और भोजन प्रसाद भी थोड़ा सा उन लोगों को खिला पिला रहे ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारे जय गुरुदेव महाराज की आदेश है कि ये कोरोना की वजह से बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, तो उनको भोजन कराया जाए और पानी उन्हें पिलाया जाए। वही हमारे संगत झारखंड के अध्यक्ष मंतोष कुमार जी ब्लॉक चौक में भंडारा चला रहे हैं और भूखे को खिला रहे हैं। क्या क्या इसमें आप लोग दे रहे हैं? सूजी है, हलवा है, रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी भी है, खिचड़ी भी है। कितना दिन आप लोग इस जब तक कोरोना का ये पूरा लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक चलाएंगे।